हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स के इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में पी ब्लॉक नाम के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम लोग सल्फर के अपरूप अर्थात एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये पूरा वीडियो सल्फर को लेकर के डेडिकेटेड रहेगा। सल्फर के बारे में काफी कुछ हम लोग मिलकर के जानेंगे। पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पेन और कॉपी लेकर के बैठिएगा हमेशा की तरह, और जब मैं कहूँ लिखो तो लिख लीजिएगा, क्योंकि इनऑर्गेनिक लिखने से ही याद होती है, ये बात हमेशा याद रखनी है। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। हेडिंग लगाइए फटाफट से, सल्फर के अपरूप। सल्फर के वैसे तो बहुत सारे अपरूप हैं, हम अगर पढ़ना चाहें तो सल्फर के 7-8 अपरूप हैं, बट हम जो है मुख्य अपरूपों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, इसलिए मुख्य अपरूप में हेडिंग लगाएंगे। पहला अपरूप है विषम लंबाक सल्फर। इसका दूसरा नाम है रोम्बिक सल्फर, या फिर ऑर्थोरोम्बिक भी बोल सकते हैं, ऑर्थोरोम्बिक भी बोल सकते हैं, रोम्बिक भी बोल सकते हैं। इसका दूसरा नाम है अल्फा सल्फर, या फिर इसको येलो सल्फर भी कहते हैं। तो आपके पास जो पहला अपरूप मैंने सल्फर का लिखा है उसको कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिए कि विषम लंबाक सल्फर, या फिर उसका दूसरा नाम है ऑर्थोरोम्बिक सल्फर, या उसका नाम है अल्फा सल्फर, या उसको आप कह लीजिए येलो सल्फर। ये चारों एक ही हैं और ये मुख्य अपरूपों में आता है। इसके अलावा दूसरी कैटेगरी है एक नताक्ष सल्फर। उसके बाद इसका दूसरा नाम सुन लीजिए, इसको मोनोक्लिनिक सल्फर कहते हैं, या फिर इसको बीटा सल्फर भी कह सकते हैं। यह दूसरी कैटेगरी है आपके अपरूप की। इसको प्रिस्मैटिक सल्फर भी बोल सकते हैं। तो चीज एक है, नाम अनेक है, तो ये सल्फर का दूसरा मुख्य अपरूप है। तो आई होप आपने दोनों को अपनी कॉपी में लिख लिया होगा। इसी तरीके से एक बार फ्रेम चेक कर लेते हैं, एवरीथिंग इज फाइन। तो सल्फर के अपरूपों में पहला आता है विषम लंबाक सल्फर, सिंपल भाषा में बोले तो अल्फा सल्फर। दूसरा आता है भाइयों बीटा सल्फर। सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको अब बताने जा रहा हूं, ध्यान से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, वो ये है कि सल्फर के ये दोनों अपरूप एक दूसरे के अंदर बदले जा सकते हैं। सल्फर की ये दोनों अपरूप एक दूसरे के अंदर बदले जा सकते हैं। बस आपको कुछ तापमान देना होगा। अगर आप तापमान देकर के गर्म करोगे तो आप यहां पहुंच जाओगे, और वापस से अगर आप ठंडा करोगे तो यहां पहुंच जाओगे। मतलब इस अपरूप से उस अपरूप में जाने के लिए गर्म करना पड़ता है, और उस अपरूप से इस अपरूप में आने के लिए ठंडा करना पड़ता है। अब जब बात आती है गर्म करने की तो पता होना चाहिए तापमान कितना है। अब मैं आपको एक ऐसी चीज बता रहा हूं जिससे तापमान हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा बिना किसी टेंशन के। फिलहाल तो आप मेरी बात को ध्यान सुनेंगे। दो बातें अभी तक मैंने आपको बताई हैं कि ये और ये आपके पास में दो सल्फर के मुख्य अपरूप हैं, पहला और दूसरा। काफी सारी बातें करनी है अभी अपन को। ये जो भाई साहब है इनके चार नाम है, मुख्यतः अल्फा सल्फर याद रख लो अभी फिलहाल, और ये आपका बीटा सल्फर है। इससे इसमें जाने के लिए गर्म करना पड़ता है, इससे इसमें आने के लिए ठंडा करना पड़ता है। एक ताप अर्थात एक बात समझना, एक तापमान में अभी आपको बताऊंगा, उस तापमान से नीचे ये वाले भाई साहब मिलने वाले हैं, और उस तापमान से ऊपर ये वाले भाई साहब मिलने वाले हैं। इतनी बात समझ में आती है। वो तापमान है 3 का पहाड़ा 3 बार बोलना है, सिंपल सा 3 का पहाड़ा 3 बार बोलना है। बोलो 3 का पहाड़ा, 3 एकम 3, 3 दुनी 6, 3 तिया 9। ये लो भाई साहब 369 केल्विन। इतना आसान तरीके से मैंने आपको याद करा दिया 3 का पहाड़ा 3 बार। बस आप जिंदगी में कभी नहीं बोलोगे सल्फर की एक अपरूप को दूसरे अपरूप में बदलने के लिए, अल्फा सल्फर से बीटा सल्फर में जाने के लिए 3 का पहाड़ा 3 बार बोलो, 3 एकम 3, 3 दुनी 6, 3 तिया 9, 369 केल्विन से ऊपर ये भाई साहब मिलेंगे, और 369 केल्विन से नीचे ये भाई साहब मिलेंगे। आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी कर लो, फिर हम आगे बात करते हैं। अब सल्फर के जो अपरूप है उनकी संरचनाओं के बारे में बात करते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना है आपको। देखो, अगर आपका सल्फर एसिड के रूप में पाया जाता है
तो उसकी संरचना किस तरह की होती है, और अगर वो S6 के रूप में पाया जाता है तो उसकी संरचना किस तरह की होती है, ये अपन को समझना है। अभी आपने देखा अल्फा सल्फर बीटा सल्फर, अगर वो दोनों ही एसिड के रूप में पाए जाते हैं तो उनकी संरचना ताज की तरह होती है, क्राउन की तरह होती है। ये टॉपिक मैं आपको क्या करा रहा हूँ समझना बहुत जरूरी है। टॉपिक ये है भाई साहब कि सल्फर अगर एसिड के रूप में पाया जाएगा तो संरचना किस प्रकार की होगी। दूसरी बात यह है कि सल्फर अगर S6 के रूप में पाया जाएगा तो संरचना किस प्रकार से होगी। अगर एसिड के रूप में पाया जाता है तो संरचना क्राउन की तरह होती है, ताज की तरह होती है। तो एसिड की संरचना क्राउन है, क्राउन शेप होता है। अब ये चाहे अल्फा सल्फर हो चाहे बीटा सल्फर हो, क्राउन शेप कैसे बनाते हैं ध्यान से देखिएगा। ताज आपके सामने आ रहा है, इस ताज की तरह अपन को बनाना है। तो यहां पे एक सल्फर, ध्यान से देखते जाइएगा, बहुत सिंपल है, बस थोड़ा टेक्निक में चलना है। ये सल्फर, एक और सल्फर, एक और सल्फर, एक और सल्फर, एक और सल्फर, तो ये ऊपर का ताज बन गया है ना। तो ये पांच सल्फर से ऊपर का बन गया, नीचे का बनाना है, तीन सल्फर और है आपके पास। तो एक सल्फर, दूसरी सल्फर, तीसरी सल्फर, ये लीजिए। तो ये आपके सामने ताज बनकर के तैयार है। अब इस ताज को आप चाहो तो किसी के ऊपर भी पहना सकते हो, और ये जो आपकी संरचना है ये संरचना कहलाती है सल्फर की संरचना, जब वो एसिड के रूप में होता है। तो इन भाई साहब के ऊपर ले जाकर के ताज पहना दो और ये आपका क्राउन शेप बन चुका है, S8 की संरचना बन चुकी है। बहुत सिंपल है, क्राउन के शेप में बनाना है, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे आसानी से हो जाएगा। फिर से एक बार देख लो, एक सल्फर, दूसरा सल्फर, तीसरा सल्फर, चौथा सल्फर, पांचवा सल्फर, फिर एक सल्फर, छठा, ये सातवां, ये आठवां, ये लो। तो ये आपका ताज बनकर के तैयार है, चाहो जिसको जाकर के पहनाओ। S6 के रूप में पाया जाएगा। अगर आपको कोई एलोट्रॉप सल्फर का, अगर आपको सल्फर का कोई अपरूप जिसका सूत्र S6 है, तो फिर वो रहता है चेयर फॉर्म में, चेयर फॉर्म में रहता है। चेयर फॉर्म में कैसे रहेगा, देखिए, एक सल्फर यहां पर, दूसरी सल्फर, तीसरी सल्फर, चौथी सल्फर, उसके बाद पांचवी सल्फर, छठी सल्फर, ये लो साहब, ये आपकी चेयर एकदम तैयार है। अब इस चेयर पे चाहो तो आप जाकर के बैठ सकते हो, ये लो, आप जाकर के चेयर पे बैठ जाओ, ये आपकी चेयर फॉर्म तैयार है। तो अगर S6 के फॉर्म में होता है, ये चेयर जैसा शेप है, इस टाइप का शेप होता है चेयर जैसा, चाहो तो इस पे बैठ सकते हो। तो ये दो तरह की आपके, अगर एसिड के रूप में मिलेगा तो क्राउन शेप बनेगा, ताज के रूप में संरचना होगी, और मेरे भाइयों अगर S6 की फॉर्म में रहेगा तो फिर कुर्सी जैसी संरचना होगी। आगे बात समझ में, एकदम मक्खन चीज है यार, प्रैक्टिस कर करके करना है, कॉपी के अंदर नोट करना है। एसिड की संरचना खुद से एक बार बना करके देखनी आसानी से बन जाएगी, फिर S6 की बना करके देखनी आसानी से बन जाएगी। फटाफट से इसको कॉपी कर लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, फिर रफ करते हैं। 4 3 2 1 स्क्रीनशॉट ले लो, आई होप ले लिया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हमारी हेडिंग थोड़ी चेंज हो गई है, अब हमें पढ़ना है सल्फर के महत्वपूर्ण यौगिक। इससे पहले एक छोटी सी बात मैं आपको बता देता हूं, सुनने लायक बात है, सुनिएगा ध्यान से, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी मैं सल्फर के काफी सारे महत्वपूर्ण यौगिक आपको पढ़ाऊंगा, तो जब सल्फर के महत्वपूर्ण यौगिक पढ़ा रहा हूंगा तो एक एक कर करके मैं उनके नाम बताऊंगा, उनकी संरचनाएं बताऊंगा, उनकी ऑक्सीकरण संख्या बताऊंगा, और हो सकता है उनकी कुछ रिएक्शंस बताऊंगा। तो आपको एक एक चीज को लिखना है, या तो कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर के लिखना है आपको पढ़ते पढ़ते, या फिर अपनी कॉपी में लिखना है। बिना लिखे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद नहीं होती है, इस बात को लिख लो। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं सल्फर का पहला महत्वपूर्ण यौगिक आप सभी के सामने लिख रहा हूं, Na2S2O3। इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, Na2S2O3। हेडिंग लगाइए सल्फर के महत्वपूर्ण यौगिक, सबसे पहला नाम लिखिए Na2S2O3, लिखिए कॉपी में Na2S2O3। अब दिमाग में नाम आता है कि भाई ये बंदा है कौन, तो ये है सोडियम थायोसल्फेट। तो अब इसका नाम लिखो, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायो सल्फेट, लिखो इसका नाम कॉपी के अंदर, Na2S2O3, सोडियम थायो सल्फेट, पुट ऑन द हेडिंग। अब आती है बात इसकी संरचना की, इसकी संरचना बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। सल्फर कौन से ग्रुप का सदस्य है, तो सल्फर के बारे में सभी लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन परिवार का है, ओल्ड स्टाइल से टीपो। अब आप सभी को पता है कि इस परिवार के अंदर
ये सभी लोग यहां से लेकर के यहां तक अगर चाहें तो 6 बंद बना सकते हैं, ये बात याद रखनी है आपको। केवल ऑक्सीजन ही अकेला है जो 6 बंद नहीं बना सकता, क्योंकि इसके पास डी ब्लॉक नहीं होता है, तो डी ब्लॉक नहीं होने के कारण ये 6 बंद तक नहीं जा सकता। बाकी सल्फर अगर चाहे तो 6 बंद बना सकता है। ये बात अच्छे से दिमाग में फिट रखोगे तभी जाके आप Na2S2O3 की संरचना समझ सकते हो। दूसरी बात, Na का मतलब क्या होता है? Na का मतलब होता है आयन, Na+। तो ये वाला सेक्शन इसमें प्लस है और ये वाला सेक्शन इसमें माइनस है। कितने Na हैं आपके पास? 2 Na है आपके पास, इसका मतलब 2+ है। उसको बैलेंस करने के लिए इसके पास कितना चार्ज होगा? 2-। एक एक कर करके केमिस्ट्री की परत खोल खोल के पढ़ा रहा हूं ताकि सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाए आपके दिमाग पे। ध्यान से सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। Na2S2O3 जो है उसका नाम है सोडियम थायोसल्फेट, पहली बात मैंने आपको बताई। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैंने आपको बताई कि ये भाई साहब कितने बंद बना सकते हैं? 6 बंद बना सकते हैं। अब अगर ये 6 बंद बना सकते हैं तो एक बात को बहुत अच्छे से आप याद रखेंगे कि इस बंदे की संरचना में पहली बात तो सल्फर के 6 बंद बनेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात आपको यह याद रखनी है कि जो आपका सोडियम है वो +1 होता है, 2 सोडियम है तो +2 है। ये एक आयनिक यौगिक है जिसमें ये हिस्सा 2+ पे है और ये हिस्सा 2- पे है। यहां तक की बात को कॉपी में लिख लीजिए, बहुत ही जरूरी बात है, बहुत ही जरूरी बात है, लिख लीजिए उसको अच्छे से, बिना लिखे मजा नहीं आएगा। अब आगे शुरू करते हैं, समझिएगा बात को। अब क्या करने वाले हैं हम लोग, अब संरचना देखते हैं। इसकी संरचना ऐसी होती है कि आपका सल्फर रहेगा, 2 सल्फर है तो 2 सल्फर एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, पहली बात। तो 2 सल्फर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब ये जो 1 सल्फर है ये 2 ऑक्सीजन को ऊपर, जो 1 ऑक्सीजन को ऊपर जोड़ लेगा, 1 ऑक्सीजन को नीचे जोड़ लेगा। 2 सल्फर आपस में जुड़े रहेंगे, ये सल्फर 1 ऑक्सीजन को ऊपर जोड़ लेगा, 1 ऑक्सीजन को नीचे जोड़ लेगा और 1 ऑक्सीजन को साइड में जोड़ लेगा। तो तीनों ऑक्सीजन संपन्न हो गई। अब इस ऑक्सीजन का घर तो बस गया क्योंकि इसने 2 बॉन्ड बना लिए, इस ऑक्सीजन का भी घर बस गया, इसने 2 बॉन्ड बना लिए। ये ऑक्सीजन अनाथ है, इस ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन तो यहां से मिल जाएगा परंतु अब इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। आपको पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत आना चाहिए केमिकल बॉन्डिंग, कि इस ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। इन सबकी स्थिति आपको पता होनी चाहिए, 2,6 बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है ना। 2 तरह के बंद बनाते हैं ये लोग, या तो 2 बंद बनाएंगे या 6 बंद बनाएंगे, ये ध्यान रखना। तो बात यह है कि ये जो ऑक्सीजन है इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन रख दिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। 1 इलेक्ट्रॉन की जिंदगी में बेहद कमी है, वो कमी कौन पूरा करेगा? सोडियम पूरा करेगा। सोडियम लल्ला यहां से आएंगे, इसको इलेक्ट्रॉन देंगे, ये माइनस बनेगा और ये प्लस बनेगा। सोडियम का इलेक्ट्रॉन अब इसके पास आ गया है, ये हो गया माइनस, वो हो गया प्लस। इस सल्फर की जिंदगी भी खराब है, ये वाला सल्फर तो 6 बंद बना के बैठा है और ये वाला सल्फर 1 ही बंद बना के बैठा है, इसको इलेक्ट्रॉन कौन देगा? और एक बात याद रखना, या तो 2 या फिर 6। तो इस भाई साहब के पास अभी केवल कितने इलेक्ट्रॉन आए हैं? यहां से 1 ही इलेक्ट्रॉन आया है, तो ये भी चाहता है कि इसको 1 इलेक्ट्रॉन और मिले, इसीलिए ये भी सोडियम से इलेक्ट्रॉन लेता है और Na+, और ये भाई साहब बनते हैं Na-। अब ध्यान से देखो ये चीज क्या है, ये चीज है S2O3 और चार्ज कितना है? 1-, दूसरा माइनस, और इसको बैलेंस कौन कर रहा है? 1 Na+ और दूसरा Na+। इंपॉर्टेंट करके इसकी संरचना को लिख लीजिए दोस्तों। वैसे तो संरचना के लिए बहुत कुछ 11th में पढ़ा हुआ होना चाहिए, बट मेरा प्रयास ये रहता है कि जिस बच्चे की 11th थोड़ी कमजोर भी है वो भी सीख सके, पढ़ सके पी ब्लॉक के चैप्टर को। तो इस संरचना को एक बार मिटाते हैं, आपके लिए फिर से बनाते हैं, फिर से समझाते हैं, कोई जल्दी नहीं है। देखिए वापस से मजा लीजिए टॉपिक का, संरचना बनानी है। मैंने आपको बताया कैसे बनाओगे, 1 सल्फर और 2 सल्फर सबसे पहले आपस में जुड़ेंगे। एक जो सल्फर है वो 1 ऑक्सीजन को पूरी तरह से जोड़ लेगी, उसको खुश कर देगी 2 बॉन्ड बना करके। दूसरी ऑक्सीजन को भी अच्छे से जोड़ लेगी, उसको खुश कर देगी 2 बॉन्ड बना करके। पड़ोस में 1 ऑक्सीजन को छोड़ेगी, तो ये ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन ही बंद में रख पाया, तो इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, अर्थात इसका अष्टक पूरा नहीं है। तो ये वाली ऑक्सीजन को मजा नहीं आएगा, ये ऑक्सीजन कहेगी मुझे मजा नहीं आया, मुझे 1 इलेक्ट्रॉन और दे दो। तो वो 1 इलेक्ट्रॉन इसको सोडियम आकर के देगा और सोडियम Na+ बनेगा, वो अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा और ये बनेगा माइनस। ऐसे ये सल्फर है,
ये वाली सल्फर तो 6 बॉन्ड बना के बैठी है और वो सल्फर के पास एक ही बॉन्ड है, तो बोलेगी गलत बात, मुझे भी इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो आपका Na प्लस आएगा और बोलेगा ले मुन्ना खुश हो जा, और उसको भी इलेक्ट्रॉन दे जाएगा। तो ये हो गया स्थिति। अब ये जो सेक्शन है ये आपका हो गया S2O3 2-, और ये एक Na प्लस, ये दूसरा Na प्लस। मजा आ गया आपको। अब यहां पे दूसरी बात है ऑक्सीकरण अवस्था। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि ऑक्सीकरण अवस्था कैसे देखें, क्योंकि इस सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था अलग तरीके से निकलेगी और इस सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था अलग तरीके से निकलेगी। ध्यान से देखिएगा, एक बात हमेशा याद रखना, मैंने बताई भी थी पहले, अगर एच से एच जुड़ा हुआ है तो ऑक्सीकरण अवस्था जीरो है, अगर एस से एच जुड़ा हुआ है तो जीरो है। किसकी मतलब, इसके कारण इसमें कोई ऑक्सीकरण अवस्था नहीं आएगी, इसके कारण इसमें कोई ऑक्सीकरण अवस्था नहीं आएगी। सीएल से सीएल जुड़ा हुआ है तो एक दूसरे के कारण जीरो है, अगर बीआर से बीआर जुड़ा हुआ है तो एक दूसरे के कारण जीरो है। तो एक बात याद रखना, इस सल्फर के अंदर इसके कारण, इस सल्फर के अंदर इसके कारण कोई ऑक्सीकरण अवस्था नहीं होगी, इस सल्फर के अंदर इसके कारण कुछ नहीं होगा। तो दोनों के अंदर एक दूसरे के कारण कोई भी ऑक्सीकरण अवस्था देखने को नहीं मिलेगी, फिर किसके कारण देखने को मिलेगी, दूसरे के कारण। देखना स्ट्रक्चर वापस बनाते हैं, समझते हैं। जब टॉपिक टफ हो जाते हैं ना तो 11th क्लास की फील होता है कि 11th क्लास भी अच्छे से पढ़ लेनी चाहिए थी, बस वो वाली बात है। बाकी मेरी कोशिश तो यह है कि मैं आपको सिखा सकूं बिना 11th पढ़े। बाकी आप भी जानते हो कि थोड़ा मुश्किल काम है, पुराने पाप तो अपन को दुख देते ही हैं। चलिए कोशिश करते हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत मजा आएगा। इस सल्फर को देखो, केवल इस सल्फर को यहां से कुछ नहीं मिलने वाला ऑक्सीकरण अवस्था के नाम पे। ये ऑक्सीजन 2- में रहेगी, ये ऑक्सीजन 2- में रहेगी, सही बात है। ये ऑक्सीजन जो है उसने एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया है, इसके साथ शेयरिंग करी है, और एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से लिया है। मतलब इस ऑक्सीजन का कॉन्ट्रीब्यूशन इसके अंदर जो आएगा, इस ऑक्सीजन का कॉन्ट्रीब्यूशन इसके अंदर जो आएगा उसके बारे में जरा सोचो। तो ध्यान से आपको समझ में आएगा कि ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रही तो 2- है, इसने केवल सिंगल बॉन्ड बनाया तो ये खुद -1 में है और Na प्लस 1 में है। तो इसका मतलब इसका कॉन्ट्रीब्यूशन -1 आने वाला है। तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालने के लिए इसको जब आप x मानोगे तो -2 -2 -4, ये वाला -1 = 0 इधर वाले सेक्शन में, तो x -5 = 0, x = +5। इसका मतलब ये वाला सल्फर किस ऑक्सीकरण अवस्था में है, +5 में है। अब ये मत बोलना कि इसको काउंट क्यों नहीं किया, मतलब ही नहीं है, सल्फर सल्फर जुड़ा हुआ है, कोई मतलब नहीं है। अब जब इन भाई साहब के लिए आप निकालना चाहोगे तो इन भाई साहब के लिए सोचो, ये किससे जुड़ा हुआ है, एक तो Na से जुड़ा हुआ है और एक सल्फर से जुड़ा हुआ है, तो इसको इस सल्फर से कोई मतलब नहीं है, Na से जरूर मतलब है। तो इसका x मान लो, Na का कितना है +1 = 0, x बराबर कितना आ रहा है -1, मतलब इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था है -1। तो एक सल्फर यहाँ पे +5 ऑक्सीकरण अवस्था में है और एक सल्फर जो है वो -1 ऑक्सीकरण अवस्था में है। मैंने कोशिश करी है दिलो जान से कि आपको समझ में आए और सब कुछ क्लियर हो। एक बार फिर समझा देते हैं, क्योंकि कमी रखना आशीष सिंह लेक्चर्स का काम नहीं है, हम लोग चाहते हैं कमी दूर हो। फिर भी दोस्तों, अगर थोड़ा बहुत 11th में कमी रह गई होगी तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं केवल प्रयास कर सकता हूं। और एटलीस्ट आप लोग लिख तो लेना इसको ठीक से, ताकि समझ में ना भी आए तो याद तो रहे, बाकी कोशिश पूरी है समझ में आ जाए। तो ये स्ट्रक्चर बना लोगे पहले तो आपको देख के समझ में आ जाएगा सब कुछ। वैसे तो ये स्थिति है, ये वाली ऑक्सीजन फुल है, -2 पे होगी, ये -2 पे होगी। अब इस सल्फर को देख रहे हो तो इतने सेक्शन को देखोगे केवल, इससे तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि जब एक जैसे जुड़े होते हैं तो जीरो हो जाता है। तो इसका x मान लो, अब ये -2 है, ये -2 है, ये -1, ये डायरेक्ट जुड़े हुए हैं सल्फर से, Na प्लस सल्फर जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए Na प्लस को काउंट नहीं करेंगे। अब ये बराबर जीरो, तो कितना आ रहा है x -5 = 0, x = +5, मतलब ये वाली सल्फर जो है वो +5 पर है, सही बात है। इस वाली सल्फर का इधर से कोई वास्ता नहीं है, तो इन सबको देखने का मतलब ही नहीं है, एस से वैसे कोई मतलब नहीं है, तो इन दोनों में के सेटल करना है। तो इसका एक्स मान लो, Na का +1 होता है, बराबर जीरो, x = -1, मतलब यहां जो सल्फर है एक +4 पे एक -1 पे है, याद रखना है। अब यहां पर अगर निकालें औसत ऑक्सीकरण अवस्था, तो औसत ऑक्सीकरण अवस्था होगी, औसत कैसे करते हैं, जोड़ के दो का भाग लगा दो, तो इन दोनों को जोड़ करके दो का भाग लगा दो, +5 - 1/2, कितना आ रहा है +4/2 = 2। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछे
कि Na2S2O3 के अंदर आपका जो सल्फर है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था औसत कितनी है, तो औसत तो है +2। और कोई आपसे पूछे कि अलग अलग बताओ, तो +5 और -1। संरचना को पूरी तरह से ओपन करके पोस्टमार्टम करके आपको समझाने का प्रयास किया है ताकि आपको बेहतर समझ में आए। अब आप इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, मजा आ रहा है क्लास के अंदर, समझ में आ रहा है तो लाइक करना बनता है। लाइक में कंजूसी करना गुरु दक्षिणा नहीं देने के बराबर है, और बिना गुरु दक्षिणा के ज्ञान अधूरा है। तो आपको अपनी गुरु दक्षिणा के रूप में केवल मेरे को 2-3 चीजें देनी है। एक तो लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, कमेंट कर देना है, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लेना है। चलिए अब देखते हैं अगला, Na2S4O6। ये दूसरे इंपॉर्टेंट यौगिक है सल्फर के। अभी अभी एक इंपॉर्टेंट यौगिक को आप पढ़ के आए हो बड़ी खुशी से, बिल्कुल उसी तरीके से इसको पढ़ना है, मक्खन करना है इसको भी एकदम। Na2S4O6, इसका नाम सर्वप्रथम हम आपको बताते हैं, वो कॉपी में लिखिए। इसका नाम है सोडियम टेट्राथायोनेट, सोडियम टेट्राथायोनेट। तो इसका नाम अपनी कॉपी में लिख लो, इंग्लिश में भी वो ये है, सोडियम टेट्राथायोनेट। टेट्रा का मतलब होता है चार, तो यहाँ पे चार सल्फर हैं, इसलिए वर्ड लग रहा है टेट्रा, सोडियम टेट्राथायोनेट। सोडियम तो लिखे लोग हिंदी में, टेट्राथायोनेट हिंदी में भी वही है, इंग्लिश में भी वही है, एक ही बात है। चलिए अब आते हैं इसकी संरचना पे, प्यार से समझिएगा, बड़े प्यार से, बहुत मजा आएगा। ये भी अपने आप में एक आयनिक यौगिक है, यहां से तोड़ा जाएगा तो ये +2 है, ये -2 है, मतलब ये जो पूरी चीज है S4O6 ये किस फॉर्मेट में है, ये पूरी माइनस के फॉर्मेट में। समझिएगा, चार सल्फर है, चार सल्फर है, चारों को लाइन से जोड़ दो। पहले दो सल्फर थे, दोनों को लाइन से जोड़ दिया था। तो जस्ट अगर इसके पहले वाले वीडियो में कोई कमी रह गई होगी, वीडियो मतलब पहले वाली स्लाइड में जब इसके दूसरे वाले भाई को अपन पढ़ रहे थे उसमें कुछ कमी रह गई होगी, तो इसमें दूर हो जाएगी। ध्यान से सुनिएगा, दिमाग लगा करके, S4O6 चार सल्फर को साथ में जोड़ दो, 1, 2, 3, 4। इधर वाली को पकड़ो, उधर वाली को पकड़ो, 6 ऑक्सीजन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया। कौन सी ऑक्सीजन का आपको मजा नहीं आया? इसको मजा आया, खूब मजा आया, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन मिल गए। इसको भी खूब मजा आया, इसको भी खूब मजा आया, इसको भी खूब मजा आया, बड़ी खुश है। ये वाली ऑक्सीजन नाराज है, ये वाली ऑक्सीजन नाराज है, ये वाली ऑक्सीजन खुश है, खुश है, खुश है, खुश है, ये वाली ऑक्सीजन नाराज है। तो ये वाली ऑक्सीजन बोलेगी, मेरे को तो एक ही इलेक्ट्रॉन मिला इधर सल्फर से, मेरे पास तो मेरा जो अष्टक है पूरा नहीं हुआ। ये बोलेगी, मेरे को भी सल्फर से एक इलेक्ट्रॉन मिला, मेरा भी अष्टक पूरा नहीं होगा। तो इसका रोना देख करके सोडियम आएगा, ले खुश रहे मेरा इलेक्ट्रॉन रख। इधर से सोडियम आएगा, बोलेगा ले खुश रहे मेरा इलेक्ट्रॉन रख। आप देख सकते हो कि ये जो बीच की पूरी संरचना है, ओहो थोड़ा आगे जाना था, टन टन येलो बन गया। तो अब इसमें ध्यान से देखा जाए तो एक बात अच्छे समझ में आती है अपन को, वो क्या है, ये पूरा डब्बे में जो है वो S4O6 है और उसके ऊपर 2- है। बोलो आया मजा, इधर +1 उधर +1 हो गया। अब सोचना है ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में, और मुझे यकीन है हम लोग सोच लेंगे। ये दोनों सल्फर तो जिंदगी में कुछ कर ही नहीं सकती, इसके इधर भी सल्फर खेल खत्म, इधर भी सल्फर खेल खत्म, जीरो ऑक्सीकरण अवस्था। इस सल्फर भी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकती, इसके इधर भी सल्फर उधर भी सल्फर खेल खत्म, इसका भी जीरो। इसके बारे में सोचते हैं, इसका संसार इधर है, इसके बारे में सोचेंगे इसका संसार उधर है। तो इसको ध्यान से देखो, इसका एक्स मान लो, इसका -1 उदास ऑक्सीजन, बोलेगी बेटा तूने मेरे को इलेक्ट्रॉन दिया नहीं ज्यादा, तो मैं तेरे को ऑक्सीकरण संख्या नहीं दूंगी, तो ये -1 पे रहेगा। ये बोलेगा मस्त रहो जी, हमको पूरे इलेक्ट्रॉन मिले, हम पूरा ऑक्सीकरण अवस्था देंगे, तो ये देगा -2, ये देगा -2 बराबर 0, x बराबर आ गया +5, मतलब ये वाली सल्फर +5 पर होगी। उधर देखा जाए, इधर देखा जाए जी, तो जो ये वाली सल्फर है इसका x मान लो, ये खुश ऑक्सीजन है 2- देगी, खुश है 2- देगी, ये उदास ऑक्सीजन है -1 देगी बराबर 0, x -5 बराबर 0 होगा, x इज इक्वल टू आएगा +5, मतलब ये वाले भाई साहब +5 पर हैं। अगर यहाँ पे अपन देखें तो चार ऑक्सीजन है जिसमें से चार सल्फर है जिसमें से दो सल्फर +5 पर है और दो सल्फर 0 पर है,
और औसत निकालें। औसत क्या होता है? सबको जोड़ दो। औसत का क्या मतलब होता है? सबको जोड़ दो, यही मतलब है औसत का। तो सबको जोड़ो, प्लस पांच, प्लस जीरो, प्लस जीरो, प्लस पांच, सबको जोड़ के गिनती से भाग लगा दो। चार लोगों को जोड़ रहे हो तो चार से भाग लगाएंगे, निकल के आ रहा है 2.5। तो यहां सल्फर का जो औसत ऑक्सीकरण अवस्था है वो है 2.5। औसत निकालना आता है ना, सबको जोड़ो और जितनी संख्या है उससे भाग लगा दो। औसत एक ऐसी मशीन है, इधर से 10 लोगों को डालो, 10 अलग अलग हाइट के लोगों को डालो, एक हाइट होकर के बाहर निकलते हैं। बिल्कुल सही, औसत का काम ये। औसत दुनिया में सबको बराबर कर देना चाहता है, औसत चाहता है सब लोग सेम रहे। तो सबको जोड़ो, सबकी संख्या से भाग लगा दो, सब बराबर हो जाएंगे। तो वही काम करना है आपको, जो भी इनमें वेरिएशन है, 5000, 5005, उसको जोड़ के 4 का भाग लगा देना है। 2.5 आपकी औसत ऑक्सीकरण संख्या निकल करके आ रही है। आई होप आपको मजा आया इसके स्ट्रक्चर में। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, गुंजाइश वाली कोई बात ही नहीं है, बहुत सिंपल है। फिर भी एक बार वापस समझ लो यार, 4 सल्फर है, धमाधम करना है, 1 2 3 4, 4 सल्फर को साथ में जोड़ दिया, 6 ऑक्सीजन है, 1 2 3 4 5 6, ये अनाथ है, सोडियम आके इसका घर बसाएगा, ये अनाथ है, सोडियम आकर के इसका घर बसाएगा। इसको देखोगे तो -1 -2 -2, 5 हो गया, माइनस का 5, उसको बैलेंस करने के लिए इसके ऊपर +5 होगा, ऐसे भी सोच सकते हो। ये -1 -2 -2 कितना हो गया, 2 2 4 और 1 5, माइनस का 5, उसको बैलेंस करने के लिए इसके ऊपर +5 होगा। फिर ये 0 है, ये 0 है, क्योंकि आपस में जुड़े हुए हैं, इधर भी सल्फर सल्फर सल्फर, ये हो गई संरचना। ऐसे खटाखट किया करो, और अब एक बार हो गया है तो घर पे बैठ करके लेक्चर देखने के बाद में खुद से बना करके देखा करो, प्रैक्टिस किया करो। बिना प्रैक्टिस के बढ़ोगे पी ब्लॉक में तो कुछ हाथ नहीं आएगा, बिल्कुल मजा नहीं आएगा। चलो जी, स्क्रीनशॉट लो, धमाधम, और लाइक करो पसंद आ रहा है तो। बिना लाइक किए मत जाया करो वीडियो को, गुरु दक्षिणा दिए बिना नहीं जाना है, लाइक जरूर करना है। अब देखते हैं दोस्तों, सल्फर की अभिक्रियाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, ध्यान से समझिएगा, कॉपी में लिखते चलिएगा। तो सल्फर की अपन समझ रहे हैं अभिक्रियाएं, सल्फर एसिड के रूप में भी हो सकता है, सल्फर एस भी हो सकता है, सल्फर है मतलब मिला जुला करके, और वो अभिक्रिया कर रहा है, ध्यान से समझिएगा। जब सल्फर की अभिक्रिया सबसे पहले अपन कराते हैं NaOH से, क्षार से कराएंगे, तो जब सल्फर की अभिक्रिया NaOH से कराई जाएगी तो 2 लोग बनेंगे, याद रखना। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट करके इस रिएक्शन को लिख लेना, क्योंकि ये आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है। तो जब सल्फर की अभिक्रिया NaOH से कराएंगे तो 2 लोग बनेंगे, एक तो Na2S, जिसको आप सभी लोग जानते हो, Na2S बनेगा। दूसरी चीज जो आज की क्लास में अपन ने पढ़ा है, सल्फर के महत्वपूर्ण यौगिकों में सबसे पहला यौगिक जो अपन ने डिस्कस किया है, Na2S2O3, बिल्कुल सही, Na2S2O3, अच्छे से याद होगा क्लास के अंदर, अभी अभी अपन ने 5 मिनट पहले सल्फर के महत्वपूर्ण यौगिकों में इसका अध्ययन किया है। तो सल्फर की अभिक्रिया जब NaOH से कराते हैं तो एक Na2S बनता है और साथ में बनता है Na2S2O3। ये अभिक्रिया इंपॉर्टेंट क्यों है सुनिए, यहाँ सल्फर कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में है, 0 पर। यहाँ सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, इसकी एक्स मान लो, इसकी +1 होती है, तो +2 = 0, क्योंकि 2 सोडियम थे, एक्स बराबर -2, तो यहाँ सल्फर -2 पर है। और यहाँ सल्फर की औसत आपको याद होगा, सल्फर का औसत ऑक्सीकरण अवस्था अपने निकाला था और औसत था +2। हालांकि इसके अंदर आपको याद होना चाहिए एक सल्फर -1 पे होता है, जो दूसरा सल्फर है वो +5 पे होता है, तो जो औसत निकल के आता है वो आता है +2, एवरेज औसत। तो सोचने वाली बात ये है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इस रिएक्शन में एक ऐसा हो रहा है कि सल्फर अपनी ऑक्सीकरण अवस्था में कमी कर रहा है, ऑक्सीकरण अवस्था में कमी हो रही है। ऑक्सीकरण अवस्था में कमी होने को अपचयन कहते हैं, ऑक्सीकरण अवस्था में कमी होने को अपचयन कहते हैं। 0 से -2 नीचे चला गया, कमी हो गई, तो याद रखना है कि इस अभिक्रिया में सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही है, तो ये अपचयन है। दूसरे वाले बात में देखो तो एक ही उसी अभिक्रिया में, सेम अभिक्रिया में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था 0 से बढ़कर के +2 भी हो रही है, इसका मतलब ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि भी हो रही है, मतलब ये ऑक्सीकरण भी है। तो ऐसी अभिक्रिया जिस अभिक्रिया के अंदर एक तत्व का अपचयन भी होता है और उसी तत्व का ऑक्सीकरण भी होता है, उसको असमानुपातन अभिक्रिया कहते हैं, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, असमानुपातन अभिक्रिया। तो ये जो पहली अभिक्रिया है, फर्स्ट वाली, ये असमानुपातन अभिक्रिया है, इंपॉर्टेंट करके नोट कर लीजिए कि ये एग्जाम में आने के चांस है, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं, लिख देता हूं।
डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन। इस रिएक्शन के अंदर ऐसी रिएक्शन जिसमें एक ही तत्व जो है उसका ऑक्सीकरण भी हो रहा हो और उसी तत्व का अपचयन भी हो रहा हो, तो दोस्तों उसे कहा जाता है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। फटाफट से नोट करो, इंपॉर्टेंट बात है, और ये महत्वपूर्ण बात आपने नोट कर ली हो तो फिर अपन दूसरी अभिक्रिया की तरफ चलेंगे, जिसमें अपन हमारे सल्फर की अभिक्रिया कराएंगे H2SO4 से। H2SO4 बहुत ही अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। हाइड्रेट कहते हैं ना, गर्मी का समय हाइड्रेट रहो हाइड्रेट रहो हाइड्रेट रहो, पानी पीते रहो पीते रहो पीते रहो, डिहाइड्रेट करना, पानी बाहर निकालना। तो H2SO4 पानी बाहर निकालता है, याद रखना, जल बाहर निकलेगा, साथ में बनेगा SO2 जो गैस के रूप में बाहर आएगी, येल्लो कलर की होती है। तो नोट कर लो रिएक्शन को, बहुत सिंपल है, याद करने का तरीका बता दिया मैंने आपको, लाइट येल्लो, येल्लो भी नहीं लाइट येल्लो, हल्का सा येल्लो। तो जो आपका सल्फर है, जब वो H2SO4 से अभिक्रिया करेगी, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, पानी बाहर निकालता है, और पानी बाहर निकालेगा बचेगा SO2, याद रखिएगा, कभी भी भूलिएगा मत। तीसरी रिएक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं, नोट करते जाइए एक एक रिएक्शन। अगर आप कंसंट्रेटेड HNO3 से रिएक्ट कराओगे, कंसंट्रेटेड HNO3 से रिएक्ट कराओगे, तो एक बात को याद रखना अच्छे से, हम पहले भी कर चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहां पर नाइट्रोजन +5 ऑक्सीकरण अवस्था में है। मैंने बताया था, अगर कोई अपनी अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था में हो तो सामने वाले का भी ऑक्सो अम्ल बना सकता है, और ऐसा ऑक्सो अम्ल बना सकता है जिसमें वो भी अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था में हो। तो यहां आपका HNO3 है, ये सल्फर से अभिक्रिया करके उसमें H2SO4 बना देगा। अब एक बात याद रखना, H2SO4 में जो है सल्फर अपनी अधिकतम ऑक्सीजन अवस्था में होता है, हाइड्रोजन का +2, ऑक्सीजन का -2, एक का होता है -8, 4 का +X=0, एक्स कितना आ रहा है +6। यहां वो लॉजिक नहीं लग सकता, सल्फर सल्फर काहे का +6, इसलिए SO2 वाटर बाहर निकला। बट यहां वो लॉजिक लग सकता है जो मैंने P4 में भी करवाया था आपको, कि P4 की अभिक्रिया भी अगर आप कंसंट्रेटेड HNO3 से कराते हो तो फॉस्फोरस का सबसे बड़ा ऑक्सो अम्ल बनता है H3PO4, साथ में NO2 गैस बाहर निकलती है, साथ में जल बाहर निकलता है। याद होनी चाहिए आपको ये वाली अभिक्रिया, अगर भूल गए हो तो बहुत बड़ा पाप कर रहे हो, लिख लिख के याद नहीं करते हो। तो यहां भी वही होगा, कंसंट्रेटेड HNO3 में नाइट्रोजन अपनी अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था में है, सामने वाले को मजबूर कर देगा, भाई तू भी आ जा अपनी अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था में, और सल्फर को भी ले आएगा उसकी अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था में, जैसे फॉस्फोरस को ले आया था, फॉस्फोरस को भी तो ले आया था H3PO4 में, है ना, याद होगा अच्छे से आपको, लिख लिख के करो भैया याद, अदरवाइज मजा नहीं आएगा। प्लस में NO2 और H2 तो निश्चित है, ये लो। पुरानी रिएक्शन याद होती है, नई रिएक्शन खटाखट याद हो जाती है, पुरानी मेहनत करी हुई होती है आगे बहुत मजा आता है, अभी मेहनत करोगे आगे और काम आएगा, सही है, ये सारी मेहनत एग्जाम में काम आती है, मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के नहीं होता कुछ भी। चलिए ये भी लिख लीजिए, NO2 हमारी गैस है, फुर्र हो जाएगी, चलो निकलो बाहर, NO2 फुर्र हो जाओ। उसके बाद में अगर वायुमंडल की ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराओगे तो क्या बनेगा, अगर सल्फर की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराई जाती है तो कॉम्बो बनता है SO2 का और SO3 का। याद रखना, SO2 अधिकतम बनती है, SO3 जो है वो 5-10% बनती है केवल। ये एकदम सिंपल रिएक्शन थी चौथी वाली, तो कि सल्फर की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करोगे तो बनाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड बोलते हैं इसको, 5-10% बनेगी। SO2 से वापस अपन SO3 बना सकते हैं, वो अपन देख चुके हैं संस्पर्श प्रक्रम में, याद है आपको, संस्पर्श प्रक्रम में S+O2 बनता है SO2, फिर SO2+O2 वैनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5 की उपस्थिति में SO3 बनाता है, ये अधिकतम तब मिलता है, अदरवाइज इसमें भी थोड़ी बहुत SO3 बनती है, बट वो 5-10% ही होती है। जो बच्चा संस्पर्श प्रक्रम का, मैंने स्टार्टिंग में पी ब्लॉक में तीसरा या चौथा वीडियो संस्पर्श प्रक्रम ही डाला है, सीक्वेंस अगर वीडियो देखते हुए आ रहे हो ना तो कॉपी को पीछे पलट करके देखो, संस्पर्श प्रक्रम में लिखा हुआ है कि पहले स्टेप में S+O2 से SO2 बनता है, फिर SO2 के वापस से O2 से अभिक्रिया कराते हैं वैनेडियम पेंटाऑक्साइड के प्रेजेंस में, तो SO3 बनता है। क्योंकि अगर आप S की रिएक्शन सीधा O2 से कराओगे तो SO3 बहुत कम मिलता है, 5-10%, इसलिए वापस से SO2 को लेकर के फिर से O2 से करानी पड़ती है V2O5 की उपस्थिति में, लिंक ऐसे होता है। इस तरह से पुराना पड़ावा यहां पे काम में आता है, यही संसार का नियम है। आराम से स्क्रीनशॉट लो, ये पूरी रिएक्शंस आपके लिए कंप्लीट हो गई हैं, कोशिश करी है मैंने कि रिएक्शन अच्छे से मक्खन हो जाए, और इनको लिख लिख कर याद करो बच्चों, अगर लिख लिख कर याद नहीं करोगे तो याद नहीं होंगी, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, टॉपिक खत्म हो गया है फिलहाल के लिए। तो दोस्तों ये हमने डिस्कस किया कि सल्फर की कौन कौन से अपरूप होते हैं, सल्फर के अपरूप में दो आते हैं, अल्फा सल्फर बीटा सल्फर मुख्य रूप से, उनके बारे में और भी थ्योरी के छोटे छोटे पॉइंट्स हैं,
उनके गुणधर्म वगैरह वो मैंने नोट्स में लिख दिए, आप नोट्स परचेस कर लो, उसमें सब कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा, याद करने में आसानी होगी। बाकी सब कुछ मैंने वीडियो में समझा दिया है आपको। सल्फर के महत्वपूर्ण यौगिकों से मिलवाया, इससे मिलवाया, इसके बड़े भाई से मिलवाया मैंने आपको, दोनों को अच्छे से याद रखिएगा। जितनी भी रिएक्शंस बताई हैं उनको लिख लिख के याद कीजिएगा, तभी आपको मजा आएगा। अगर ये वीडियो पसंद आता है, हमारी पढ़ाने की अप्रोच आपको अच्छी लगती है, तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। यही आपकी गुरु दक्षिणा है, ये जरूर अपनी गुरु दक्षिणा दीजिए हमें अगर आपको पसंद आता है तो। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये, नोट्स के लिए आप नीचे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आने वाले वीडियो में हम लोग इस टॉपिक को और आगे बढ़ाएंगे। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर डेली नोटिफिकेशंस, बिकॉज घंटी नहीं दबाओगे तो पता नहीं चलेगा और मेरा वीडियो आ जाएगा और आप मिस कर जाओगे, क्योंकि एग्जाम टाइम बहुत पास में है। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग वीडियो डाल रहे हैं, लाइव क्लास भी ले रहे हैं, ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके। सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, दोस्तों को भी शेयर कर दो, शेयरिंग केयरिंग होती है। इसी तरह से संसार में हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।